अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना वसीम। जनाब, हमें थी 2 दिन छुट्टी, तो आपको पता है जब परदेसियों को छुट्टी होती है तो यार सो के बिस्तर बोलता है, भाई आप थोड़ी देर के लिए उठ जा, मुझे सांस लेने दे। 2 दिन से सो रहे, कल इंशाल्लाह ड्यूटी है। यहाँ पे वैसे 4 छुट्टी थी सरकारी और 3 छुट्टी थी हमें, उसके बाद एक ड्यूटी है कल इंशाल्लाह। वीडियो बनाने का दिल नहीं है अभी भी, बस एक शॉर्ट वीडियो जैसी बना रहा हूँ। तो मुझे जाना है कहीं मार्केट वगैरह। कल भी सारा दिन रेस्ट की, आज भी सारा दिन रेस्ट की, अभी है 3-4 का टाइम, तो फ्रेश होके सोचा थोड़ा सा एक शॉर्ट क्लिप बना लेता हूँ चैनल के लिए। कोई टॉपिक नहीं है, कोई बात नहीं है, बस सबको पता है, यहाँ रहने वालों को, चलो पाकिस्तान वालों को अक्सर को पता होगा, तो जिनको नहीं पता था मैं बता रहा हूँ। 3 छुट्टी मिली और 2 जो है ना हमें कंपनी छुट्टी करने दी, 1 हमें मिली है ड्यूटी। तो अभी मेरी लास्ट छुट्टी है इंशाल्लाह, जो कल जाना है ड्यूटी पे। चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो आप देखते तो वैसे हो तो उतने लाइक नहीं करते आप, एक लाइक मारने से कुछ जाता ही नहीं है। जब वीडियो पे आ ही जाते हैं तो लाइक ही कर दिया करो इंशाल्लाह। बस कुछ बिजी थे, लेकिन ये जो 2 छुट्टी थी यहाँ पे, तो हमें रेस्ट लाजिम चाहिए होती, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें छुट्टी नहीं थी। वैसे भी हम छुट्टी वगैरह नहीं करते, क्योंकि अगर कोई बंदा किसी वजह से छुट्टी करता भी है तो उसको बिल्कुल पूरा जवाब देना पड़ता है, मैंने क्यों छुट्टी की, किस लिए की। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई बहाना नहीं है और हम छुट्टी भी नहीं करते। प्रॉपर काम, प्रॉपर ड्यूटी सब करनी पड़ती है। तो बहुत सा टाइम हो गया था छुट्टी वगैरह नहीं की थी, तो जैसे ही 2 छुट्टियाँ मिली हमें तो बिल्कुल ऐसी नींद की जैसे बरसों का बंदा थका होता है। कल भी सारा दिन रेस्ट किया, आज भी रेस्ट किया, तो सो के जब थके तभी जाके उठे बिस्तर से, बिस्तर की जान छोड़ी। तो इंशाल्लाह अभी कहीं जाना है, तो जैसे ही बस काम के लिहाज से होता है, क्योंकि अब छुट्टियां थी मेरे पास 2 दिन का टाइम था, मैं थका हुआ था, अगर मैं रेस्ट ना करता तो वीडियो वगैरह ऐसा बनाता, लेकिन मैं थका हुआ था, मुझे कल भी रेस्ट चाहिए था, आज भी मैंने रेस्ट की। और इंशाल्लाह जैसे ही काम स्लो होता है या जैसे ही फ्री होते हैं, कंटिन्यू चैनल पे वीडियो आती रहेंगी। एक वीडियो, लास्ट वीडियो जो इससे पहले की वीडियो है, एक वीडियो मेरे दोस्त ने डाली थी, तो कुछ दोस्त पूछ रहे थे चैनल कहाँ गया, तो मैं सोच रहा था, बल्कि सोच के रहा था, कुछ दोस्तों को मैंने बोला कि मेरा दिल है चैनल सेल करने के लिए, तो उन लोगों ने सोचा यार ये कोई बंदा और आ गया चैनल सेल कर दिया सादिक ने। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दोस्त मेरा भाई जैसा, उसके पास चैनल लॉगिन है, बहुत दिन से उसने खुद भी बोला यार तेरी कोई वीडियो नहीं है, मैं बना के अपलोड कर देता हूँ। मैंने बोला करो चैनल जब लागे ने आपके पास, तो उसने वीडियो बना के अपलोड कर दी। तो दोस्तों के ख्याल में आया कि सादिक ने चैनल सेल कर दिया, क्योंकि पहले मैं बोल चुका हूँ चैनल सेल करने के बारे में। तो चैनल अभी सेल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे पास है, अभी चलाऊँगा। कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, कोई ऐसी गुर्बत नहीं आ पड़ी, कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत बंदे के पास टाइम नहीं होता या पैसे नहीं होते, किस वजह से वे देता है, किस वजह से अभी चैनल सेल कर देता है। अब फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखेंगे जब, क्योंकि बस यही एक रीज़न होता है टाइम ना होने का। जब टाइम नहीं होगा सोचेंगे 1 महीना 2 महीने आदमी वीडियो नहीं बंदा अपलोड कर पाता, तब जाके चैनल सेल करता है या कोई। फिलहाल तो ऐसी कोई नहीं है, जॉब काम लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेहतर है। जब भी सेल करेंगे तब भी बताएँगे। फिलहाल इरादा है अपना खुद का चलाने का, या अभी मैंने बहुत से इसके लिए प्लान सोच रखे हैं, क्योंकि चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है। जब पाकिस्तान जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल तो ऐसा इरादा कोई नहीं है। आप ये ना सोचें चैनल सेल हो गया, बिलफर्ज सेल हो भी जाता है, क्योंकि पहले एक सेल हो गया था, तो उसके बाद मैंने ये वाला क्रिएट किया था, ये वाला चैनल बनाया था। असल में मेरी वीडियो एक साइड पर आती होगी, मैंने स्टिक से पकड़ा हुआ है फ़ोन को, चल रहा हूँ, अभी फ़ोन आया था उसका, मुझे जाना है कहीं पे, तो मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाते जाते वीडियो को करूँगा एंड। तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी, आपके साथ रहूँगा मैं, बट मैं वीडियो अपलोड करूँ ना करूँ, लेकिन अपलोड की सपोर्ट मैं करता ही रहता हूँ। अब बात किसी दोस्त के चैनल पर मैं कमेंट वगैरह भी नहीं करके जाता, उसकी वीडियो देख के जाता हूँ इंशाल्लाह। तो मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।